रहेंगे आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा। और अगली खबर को रुख करेंगे, अगली खबर जो भोपाल से हमें मिल रही है, पूर्व सीएम कमलनाथ शिक्षकों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। ये आज शिक्षक दिवस और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिक्षकों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। शाम 4 बजे संवाद होगा, जिसमें लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी को रोका गया है, इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। इसी के साथ ऑनलाइन क्लासेस, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में किस तरह से सुधार किया गया, वहीं शिक्षकों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा, जिस पर चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। चलिए सीधे रुक करेंगे, वैभव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव है इसलिए जरूरी भी है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कि वो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश करें। कल जो बेरोजगारों का प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी कांग्रेस के आला नेता पहुंचे थे समर्थन करने के लिए युवाओं का। आज शिक्षकों से चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उपचुनाव से जोड़कर इसे जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल जया, चुनाव भी हैं और कोरोना भी है, इन दोनों संकटों के बीच ऑनलाइन एक तरीका निकाला गया है सरकारों के द्वारा अपने वोट बैंक तक पहुंचकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा युवाओं के साथ संवाद किया गया था और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश ऑनलाइन संवाद के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शाम को 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शिक्षकों से संवाद करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो ऑनलाइन जो संवाद होता है, ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं, वहां पर शिक्षकों की किस तरह की परेशानी होती है, इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षा का जो तरीका होता है, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, उसमें तो बदलाव हुआ है, लेकिन शिक्षक और साथ ही अध्यापन कार्य में किस तरह का बदलाव हुआ, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जया जो बात है कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षकों की कई परेशानियां भी हैं, कई बार उनको मानदेय के संबंध में परेशानी आती है, वेतन वृद्धि पदोन्नति के संबंध में भी परेशानी आती है, और हमने देखा कि कई बार शिक्षक पढ़ाई जो उनका बुनियादी काम है, जो नैतिक कार्य है, उसको छोड़कर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो शिक्षकों के आंदोलन करने की वजह क्या होती है, इसे भी जानने की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। तो आज शाम को 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ऑनलाइन शिक्षकों से संवाद करेंगे, उनकी परेशानियां पर भी बातचीत की जाएगी और मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, इस पर भी कमलनाथ शिक्षकों से कुछ सुझाव भी लेंगे। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कुछ सुझाव शिक्षकों को दे भी सकते हैं जो उनके मन में हो। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा वैभव जी। तो आज